एक्चुअली है 40,000 का, जो मैं दो महीने आज से 2,000 का है, 52,000 का भाई। हाँ जी 52,000 भाई। भारी एक्सीडेंट हो गया। तो गाइज आज हम लोग अपना नाइट ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे साथ में आज सतपाल भाई है, सामने देख रहे होंगे। और सतपाल भाई कैसे हैं? तो हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक। बताना चाहूँगा आज हमारे साथ में अपने सतपाल भाई है, और फिलहाल के लिए सतपाल भाई का कुछ पार्सल आया था, तो गाइज चलिए उनका पार्सल पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ सतपाल भाई का जो पार्सल है वो अपने एक फ्रेंड सोनू भाई के घर पे है रखा हुआ, और ये पार्सल जो है शाम में आया था। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग सतपाल भाई का पार्सल कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये पार्सल जो है क्या सरप्राइज़ है ये अभी तक मुझे भी बताया नहीं है सतपाल भाई ने, तो चलिए चलते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, एक्चुअली सतपाल भाई ने मुझे एक ही हिंट्स दिया है अभी तक कि क्या है। एक्चुअली ये जो पार्सल उनका आया है गिफ्ट, ये एक्चुअली उनका वीडियो रिलेटेड ही है, यूट्यूब के रिलेटेड ही है सामान। और ये जो उनका गिफ्ट आया हुआ है ये अराउंड 53,000 के अराउंड मुझे उन्होंने हिंट्स दिया है। तो क्या है, क्या सारा चीज़ आया हुआ है, चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो पे बने रहिए। पता नहीं क्या आया है उनका, वीडियो रिलेटेड है ये, मुझे भी एक्साइटमेंट है अभी जानने के। भाई भारी एक्सीडेंट हो गया। तो भाई देख सकते हो भाई कितना खतरनाक टाइप का एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई बुरीजा जो कि बहुत ही बुरे हालत में है। तो बता दूँ भाई कि एक्चुअली कहाँ से एक्सीडेंट हुआ, क्या है सीन इसका पूरा बता दूँ। तो भाई वहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट है जो कि हुआ है, वहाँ से गाड़ी वो तीनों जोमेटो वाली गाड़ी को पूरा एकदम क्रैश करते हुए इधर आई है। तो ये भाई साहब दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं भाई सामने आप देख पा रहे होंगे ब्रेजा का पूरा कचुम्बर एकदम निकल गया है सभाड़ा टाइप का, और देख रहे होंगे पूरा ही एकदम स्टाइन टाइप का एक्सीडेंट हुआ है। एक कैसे का भी एक्सीडेंट, तो हम लोग अभी मतलब जस्ट एक राइड लेकर के आ रहे थे, मैं रात का इस टाइम पे मतलब जस्ट आ रहा था, तो देखा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। और गाइस मैं हेलमेट उतार दे रहा हूँ, एक्चुअली एक नाइट का सूट मैं निकाल करके आ रहा था, तो ऐसा देखा कि जस्ट नाइट सूट में मतलब अपना जो है कुछ ऐसा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है अपने डिमना रोड में। और गाइस सामने देख, फ्रेंड्स मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा नया गाड़ी है ये, एक्चुअली ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जैसा इसका नंबर प्लेट और देख करके पता चल रहा है, बट गाड़ी का हालत तो पूरा कबाड़ा हो चुका है, स्क्रैप की तरह गाड़ी बन चुका है। पता नहीं कैसे मतलब ये गाड़ी इस तरह से मारी है कि मतलब पूरा गाड़ी का कचुम्बड़ हो गया है। और साथ ही साथ में देख रहे हैं जहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे सभी जगह पे इसके टूटे फूटे पार्ट्स बिखरे पड़े हुए हैं। और चलिए आगे भी देखते हैं, आगे भी ये गाड़ी ने मतलब दो स्कूटी और बाइक वगैरह को ठोके हैं, पता नहीं किसी आदमी को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देख लेते हैं, एक्चुअली भगवान ना करे किसी को कुछ हो। चलिए चल के देखते हैं। कुछ हालत देख लो भाई, तो चलते हैं वापस, जो हो गया तो हो गया भाई, अब रात गई बात भी, चलो ले जा रहा वाला दे दो। तो भाई देख सकते हो भाई कितना खतरनाक टाइप का एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई अति बहुत ही बुरे हालत में है। तो बता दूँ भाई कि एक्चुअली कहाँ से एक्सीडेंट हुआ, क्या है सीन इसका पूरा बता दूँ। तो भाई वहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट है जो कि हुआ है, वहाँ से गाड़ी वो तीनों जोमेटो वाली गाड़ी को पूरा एकदम क्रैश करते हुए इधर आई है। तो ये भाई साहब दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं भाई सामने आप देख पा रहे होंगे ब्रेजा का पूरा कचुम्बर एकदम निकल गया है सभाड़ा टाइप का, और देख रहे होंगे पूरा ही एकदम स्टाइन टाइप का एक्सीडेंट हुआ है। एक कैसे का भी एक्सीडेंट, तो हम लोग अभी मतलब जस्ट एक राइड लेकर के आ रहे थे, मैं रात का इस टाइम पे मतलब जस्ट आ रहा था,
तो देखा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, और नाइट का सूट मैं निकाल करके आ रहा था, तो ऐसा देखा कि जस्ट नाइट सूट में मतलब अपना जो है कुछ ऐसा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है अपने डिमना रोड में। और गाइस सामने देख रहे होंगे गाड़ी जस्ट यहाँ से आया। और स्कूटी सबका हाल देख रहे होंगे कैसा कर दिया है। यहाँ सामने रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास में ये हंगरी के रेस्टोरेंट के पास में ये गाड़ी वगैरह जोमेटो वाले लोग इनका खड़ा रहता है, तो इनकी गाड़ी पूरा चूर करते हुए आगे जा कर के पूरा भयानक वाला एक्सीडेंट देख रहे होंगे। पूरा रोड पे कैसे कचरा टाइप का पड़ा हुआ है। और मनोज जी आप कहाँ थे? हाँ आप विष्णुपुर में थे। हाँ हाँ आप ये वाला मतलब देख पाए देखे नहीं ना। और गाइस देख रहे होंगे एक्सीडेंट बड़ा ही डेंजर टाइप का हुआ है, तो ज़्यादा देर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं क्योंकि नहीं ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं, एक्चुअली हमें जाना था। तो हम लोग जा रहे सभी लोगों से बताना चाहूँगा, हम लोग जा रहे थे सतपाल भाई का सरप्राइज लाने के लिए। एक्चुअली वो क्या सरप्राइज था सारा कुछ, बट यहाँ पे एक्सीडेंट देख करके अपना बहुत ही मूड सैड हो गया। सरप्राइज तो सरप्राइज है, वो आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊंगा। और गाइज फिलहाल के लिए ये जो डिमना रोड में रात का टाइम होता है नो एंट्री खुलने के बाद सब गाड़ी ओवरटेक एक दूसरे को करते हुए जाते हैं, उसी का ये नतीजा हो गया। थोड़ा सा मतलब इशू हो गया है कि दो स्कूटी एक बाइक और एक ब्रेजा जो है अपना ये एक्सीडेंट होकर के पूरा ही पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा कबाड़ हो चुका है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे जो जोमेटो वाले बंदों का गाड़ी डैमेज हुआ है ये सारा कुछ मतलब प्रॉब्लम हो चुका है उनके लिए। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो पे नहीं बोलूँगा, एक्चुअली क्या है कि वीडियो पे बहुत ही ख़राब सा सीन हो रखा है। तो गाइस बताना चाहूँगा रात में ये जो सीन हो रखा है इसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। एक्चुअली जो भी मतलब गाड़ी चला रहे थे उन्हें मतलब प्रॉपर एकदम चोट तो लगा ही होगा, क्योंकि जैसा एक्सीडेंट दिख रहा है इस हिसाब में चोट एकदम लगना मतलब लाजमी है। और फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मतलब अपना मोटिवेशन बूस्ट हो। और वीडियो पे नए हो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।